खबर धार से है, जहां विजयादशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने परंपरा अनुसार विधिवत शस्त्र पूजन कर आरती की। इस दौरान प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शस्त्र होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। शस्त्र आपके पास है तो आप शास्त्रों के माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं और विश्व में शांति की बात कर सकते हैं। शस्त्र जिनके पास है वही समझा सकते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि कमजोर आदमी है इसलिए शांति की बात कर रहा है। हम ताकतवर हैं हर दृष्टि से, पर हम शांति चाहते हैं। यह भारत की परंपरा है, यह भारत की संस्कृति है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा, कलेक्टर प्रियंका मिश्रा एवं SP मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट। शस्त्र होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। शस्त्र आपके पास है तो आप शास्त्रों के माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं और विश्व शांति की बात कर सकते हैं। शस्त्र जिसके पास होंगे वही समझा सकता है, नहीं तो लोग कहेंगे कि कमज़ोर आदमी इसलिए शांति की बात कर रहा है। हम ताकतवर हैं हर दृष्टि से, पर हम शांति चाहते हैं। ये भारत की परंपरा है, ये भारत की संस्कृति। हाँ, मैंने वीडियो देखा कल, बहुत शर्मिंदगी वाला है। और एक अच्छे खानदानी परिवार का अगर नौजवान ऐसे काम करता है तो मेरा ख्याल है कि परिवार के लोगों को समझाना चाहिए।